गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आइए आज जो है माई चाइल्डहुड, जिसमें हम लोगों ने मेरा बचपन, ये पार्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें हम लोगों ने ये इनकी जीवनी पढ़ ली थी, माई चाइल्डहुड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद से इसमें इनकी स्टोरी में भी पैराग्राफ 1, 2, 3 और ये 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, सॉरी 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। 3 के बाद से आज हम लोगों को पैराग्राफ 4 से पढ़ना है, ये जो आपके सामने दिए हुए है, ये पैराग्राफ 4 है, इसे आप लोग देख लेंगे। ये इसी से स्टोरी आज सो है, यहाँ से शुरू करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ 4 में क्या कहते हैं, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इन टू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। आगे बताते हैं इसमें कि प्रत्येक बच्चा में पूर्वजों के सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण के गुण होते हैं और अपने पालनहार मतलब पालने वाला के बताए रास्तों से गुजरकर प्रशिक्षित होते हैं, मैंने जिस माहौल में वह रहते हैं, जिस तरह के लोग उसे बताते हैं, उसी तरह का वह आकलन करके सीखते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेंड होते हैं। आगे कहते हैं कि आई इनहेरिटेटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर फ्रॉम माय मदर। आई इनहेरिटेटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माय 3 ब्रदर एंड सिस्टर। कहते हैं आगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि मैं अपने माता और पिता से ईमानदारी और स्व अनुशासन के गुण सीखे। मैं आगे बताते हैं कि मैं और मेरे तीनों भाई और बहनों को भी अच्छाई और गहरी दयालुता को पूरा विश्वास है, दयालुता में पूरा विश्वास है। आए कहते हैं कि आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। कहते हैं आगे कि मेरे बचपन में 3 गहरे मित्र थे। पहला रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। इसके बाद से कहते हैं कि ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मीन फैमिलीज। कहते हैं ये सभी लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार के थे। एज चिल्ड्रेन नॉन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्ग्स आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग। कहते हैं कि ये तीनों बच्चे जो हैं वह रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार के थे। आए कहते हैं कि एक बच्चा होने के नाते हम सब में से कोई भी धर्म और ऊंचे ओहदे के आधार पर भेदभाव नहीं मानता था। आगे बताते हैं कि इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, ही द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। कहते हैं कि सचमुच रामानंदा शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। आगे कहते हैं कि लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, आगे बताते हैं कि उसके बाद उसने अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर की महंती ले ली, मैंने वहाँ वह संभालने लगा पिताजी के संभालने के बाद, और उसके बाद
दूसरा जो उनका मित्र था अरविंद वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। एंड कहते हैं कि दूसरा जो उनका मित्र था अरविंदन तीर्थ यात्रियों के लिए आवागमन के साधनों की व्यवस्था वाले व्यवसाय में लग गया। और एंड शिव प्रकाशन बीकेम एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज। और जो उनका तीसरा मित्र थे जो शिव प्रकाशन साउथर्न रेलवे में खान पान सेवा की ठेकेदारी करने लगा। ये तीनों मित्र जो है तीनों जगह अपना कार्य जॉब पकड़ लिए। ठीक है, लेकिन आगे क्या हुआ, आगे पर अगर आप 5 में बताते हैं कि ड्यूरिंग द एनुअल, ठीक है ना, श्री सीतारामा कल्याणम सेरोमनी और फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग एडियोल्स फॉर द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट सुटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ विच वॉज नियर आवर हाउस। आगे कहते हैं कि श्री सीताराम कल्याण समारोह के में हमारा परिवार एक विशिष्ट प्लेटफॉर्म से भगवान की मूर्तियों को नाव से विवाह स्थल, ठीक है ना, तक ढोने की व्यवस्था करता था। और जो पोखर के बीच में स्थित राम तीर्थ कहा जाता है जो, ठीक है ना, मेरे घर के नजदीक था। इवेंट फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माय मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। आगे कहते हैं कि रामायण और पैगंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं होने के समय हमारी माँ और दादी परिवार के बच्चों से कहती थी, ठीक है ना, जब सोने का समय होता था उस समय रामायण की कहानियां और पैगंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई थी वह उनकी माँ और उनकी दादी सुनाया करती थी। पैराग्राफ 6 में कहते हैं कि वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। कहते हैं कि एक बार जब मैं रामेश्वरम के प्रारंभिक विद्यालय में 5वीं का छात्र था, एक नए शिक्षक मेरे वर्ग में आए। आई यूज टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम। ठीक है, कहते हैं कि मैं टोपी पहनता था जो मुझे मुस्लिम होने की पहचान कराता था। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री। कहते हैं कि और मैं हमेशा सामने रामानंदा शास्त्री के बाद के कतार में बैठता था, ठीक है, हु ओवर द स्केयर्ड थ्रेड, जो कि वो जनेऊ, ठीक है ना, पवित्र धागा जिसको कहते हैं, ठीक है, धार्मिक धागों वाला पोशाक पहनता था, स्केयर्ड थ्रेड वो जनेऊ पाना करता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सीटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। वो नया शिक्षक यह सहन नहीं कर सका कि एक हिंदू पुजारी का बेटा मुसलमान के साथ बैठे हैं, ठीक है। अगर आगे कहते हैं कि इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट। कहते हैं आगे कि जैसा कि नए शिक्षक का नजरिया था हमारे समाज की एक रूपता की श्रेणी में रखने के लिए,
I was asked to go and sit on the back bench. ठीक है, उसने मुझसे कहा, वह शिक्षक जो थे वह मुझसे कहे कि मुझे पीछे के बेंच पर जाकर बैठने के लिए बोले वो। ठीक है, आए कहते हैं कि आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा और रामानंदा शास्त्री को भी बुरा लगा था। ही टुक अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। ठीक, मैं अपनी सीट छोड़कर अंतिम पंक्ति में गया। ठीक है, अंतिम पंक्ति में गया तो उसने बिल्कुल जो है उदास हो गया वो। ठीक है, वह बिल्कुल उदास हो गया, होकर देखा। द इमेज ऑफ हिज वीपिंग वेन आई शिफ्टेड टू लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन टू मी। उसका चेहरा रोआसा हो गया, रोने जैसा हो गया। किसका? अब उनके मित्र रामानंद शास्त्री का, जब मैं अंतिम पंक्ति में गया। ठीक है, और जिसने मुझ पर गहरा, जिससे मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना, वह जो है जब मैं बैठा तो उसको एट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, मुझ पर गहरा प्रभाव इसका पड़ा। तो ये आपका रहा पैराग्राफ 6 जो कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहाँ पैराग्राफ 7 से हम लोग अगले वीडियो में फिर जानेंगे कि आगे की कहानी क्या हुई। तब तक के लिए गुड बाय।